व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। नहीं हो सकता क्योंकि गाइस हमारा बेस नहीं है। क्या हमारा बेस टूट गया? नहीं। क्या अपना बेस में हमला हुआ? क्या अपना बेस रेड हो गया? क्या अपना बेस अब अंडर वाटर वाला नहीं है? रुको जरा, सबर करो। सो ये रहा अपना टेंटन वाला अंडर वाटर क्यों, जहाँ पे अपना बेस गायब है। हाँ, कुछ स्ट्रक्चर्स है जो आपने छोड़ा। तो गाइस अपना बेस कहाँ गया? हर किसी के दिल में एक तो बात आएगा, भाई अंडर वाटर वाला बेस कहाँ गया। तो गाइस अपन ने अंडर वाटर वाला बेस को खुद तोड़ दिया, क्योंकि तुम लोगों को पता है कुछ ही दिन पहले एक अपडेट आया आर्क बारो की तरफ से। सो अंडर वाटर के में वो लोग बहुत सारा चेंजेस कर रहा है, अंडर वाटर का चीज के लिए बहुत सारा चेंजेस कर रहा है। सो हम लोग कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। एक्चुअली तुम लोगों को मैं दिखाई देता हूँ। सो यार गाइस, उन लोगों ने बोलना चाहता कि गेम को बैलेंस करना चाहता है और इसलिए वो अंडर वाटर में कुछ बहुत सारा अपडेट करना चाहते हैं। तुम लोग ये देख सकते हो एंड अदरवाइज मैं कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा ये सारा अपडेट्स। एंड या तो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, बहुत सारा प्लेसेस है जहाँ पे तुम लोगों को मिल जाएगा। एंड आई होप तुम लोगों ने मेरे से पहले ही देख लिया होगा, बिकॉज आई एम लेट। एंड हम लोग मतलब तुम लोग बोल रहे थे एपिसोड कहाँ रह गया, तो अब भाई फिलहाल अपने पास कोई अभी बेस नहीं है, सो क्या करें। सो एक्चुअली बेस नहीं किया, हम लोग सारा सामान तोड़ के अपना राफ्ट में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं उस अपडेट के बाद क्या क्या कहाँ कहाँ अपने कहाँ कहाँ लगा दिया, हम लोगों को भी पता नहीं। तो कहाँ कौन सा चीज़ डिक्लाइन हो जाए, कौन सा चीज़ गायब हो जाए। इससे पहले सोचा कि यार हम लोग खुद ही तोड़ लेते हैं, हम लोग खुद तोड़ के हम लोग सारा सामान इकट्ठा कर लेते हैं। बाद में जब अपडेट आए, कब आएगा हम लोगों को पता नहीं। उन लोगों को बोल रहा है कि अप्रैल का महीने में मिडिल पे आ जाएगा, सो वी आर वेटिंग्स। ठीक है, तो ऐसे कोई एकदम एग्जैक्ट डेट अभी तक नहीं बताया कब आएगा। सो जब आएगा सो तब आएगा, दिखा जाएगा। एंड फिलहाल अपन कोई रिस्क नहीं लेना नहीं चाहते, और अपन सोच रहे अभी यार ऊपर ही बना लेते एक बेस। और अपन को एक प्लेस बहुत पसंद आया जहाँ जिसको अपन एक चाइनीज का ट्राइब है, उसको रेड करके वहाँ पे बेस बनाने का सोच रहे। सो देखते हैं गाइस। एंड गाइस मैं इसके साथ ही मैं कुछ बनाता ना, तो जो पिछले बार मैंने आर्क अपडेट के ऊपर कुछ कहा था, तुम लोगों ने बोल रहा था कि अपडेट कब आएगा। अपडेट भाई अपडेट आके जा चुका है, तुम लोग बोल रहे अपडेट कब आएगा। हाँ, एक चीज़ नहीं आया जो है, सिंगल प्लेयर पे जो ड्रॉप्स होना था वो नहीं, क्योंकि वो लोग फिक्स नहीं कर पाए इसलिए नहीं आया। बाकी सारा चीज़ तो हो चुका है, ठीक से देख लो। नया सर्वर आ चुका है, सारा चीज़ स्कीपेबल ऐड भी ऐड हो चुका है। स्कीपेबल ऐड का मतलब ये नहीं कि तुम एम्बर वाला स्कीपेबल ऐड हटा, स्कीपेबल ऐड हटा कौन सा हटा पता है? जो अपन स्पॉन होते हैं ना, रिस्पॉन, वहाँ पे सिंगल प्लेयर पे पहले क्या होता था, अपन मरने के बाद हम लोगों को वॉच ऐड देख के फिर स्पॉन होना पड़ता था। अब क्या हो गया, सिंगल प्लेयर पे कोई खेलता है तो या पीवी में देखना कि तुम क्विकली रिस्पॉन्स कर सकते हो। हाँ, कभी पहली बार ऐड देख लिया, बट नेक्स्ट टाइम तुम मर के जिंदा और वहाँ पे तुमको स्कीपेबल ऐड नहीं आएगा। सो वो अपडेट हो चुका है, ठीक है। सो फिलहाल उसको तो छोड़ते हैं गाइस। अभी यहाँ पे अपना जो मेन्स है, अपना बेस रेड और व्हाट आज खतरनाक वाला ट्रॉपिक जो फिलहाल अपन, तुम लोग बताओ हम लोग क्या फिर से क्यों ही बेस बनाए अपडेट आने के बाद, या अपन ऊपर चले जाए। सो ये जरूर बताना। एंड टू फाउंडेशन होना चाहिए, ऐसा बहुत सारा चीज़ें उन लोगों ने बताया। एंड गाइस तुम लोग को और एक प्यारा सा चीज़ बताना चाहता हूँ। जब मैं पहली बार फ्लोटिंग टॉयलेट टावर का वीडियो बनाया एंड मैं बोला कि आर्क वाला जॉब हटाएगा तब हटाएगा, फिर नेक्स्ट अपडेट आया कि भाई उसको गायब कर दिया, फिर एम्बर वाला मैंने बताया, फिर नेक्स्ट अपडेट में उसको भी गायब कर दिया। मतलब अपडेट सोचो, अब हम लोगों ने अंडर वाटर वाला खेलना शुरू कर दिया, आर्क वाला ने अंडर वाटर में अपडेट डाल दिया। भाई क्या दिक्कत है, तुम क्या मेरे को फॉलो कर रहे हो? कर रहे हो तो भाई खतरनाक। भाई मैं बहुत खुश हूँ कि भाई मैं जिस ट्रॉपिक के ऊपर जाता हूँ भाई वो चीज़ में अपडेट होता है, नहीं तो कुछ चेंजेस होता है। सो वी आर ट्राई। एंड गाइस अब तुम लोगों को दिखाते अपना सामान कहाँ गया, तो चलो लेट्स गो। सो यार गाइस बीस्ट एंड अल्फा ने बहुत मेहनत के बाद सारा चीज़ तोड़ दिया। एंड मेरा कुछ पर्सनल काम था तो मैंने कुछ दिन से आया नहीं। एंड देख सकते हो मतलब हम लोगों ने इतने 2-3 मंथ से अपना कितने सारा मेटल इंगोट बनाया था, तुम सोचो इतने सारे मेटल इंगोट, वो भी ऑफिशियल सर्वर में, कोई सोच भी नहीं सकता। देखो एक अनऑफिशियल सर्वर में एडमिन भी इतने सामान नहीं देता जितने सामान हमने इतने दिनों में कलेक्ट किया। मतलब हम लोगों के साथ जितने सारा मतलब ट्राइबिन सारा खतरनाक फार्मर है, तो देख सकते हो जस्ट सीपी देखो। और भाई पॉलीमर जो बहुत ही खतरनाक चीज़ें बनाने में, उसको तो ऑयल इतना भाई जब भी चाहता है तब भी देख सकते हो भाई फाइबर, मतलब ऐसा चीज़ क्या नहीं हम लोगों ने फार्म करके रखा। मतलब भाई तगड़ा वाला फार्मिंग बोलते हैं, मतलब ऐसे फार्मिंग ट्राइब हो तो यार मज़े आ जाता है ऑफिशियल खेलने में, किसी भी सर्वर में जाके धूमधाम हो जाएगा। 1 मंथ के अंदर तो यार खतरनाक वाला अल्फा बेस का सामान अपने कलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपना कुछ गीगा एक, मतलब भाई क्या कर रहे यार बहुत सारे। और हाँ, अपना जो डायनोसोर था जैसे ईरी बहुत सारा गीगा टीका था कहाँ गया, वो सारा चीज़ अपने क्रोनिकल कर लिया। तुम लोगों को पता है हम लोगों का बहुत ही बुरी आदत है, कोई भी चीज़ फटाक से क्रोनिकल। एलिमेंट है भाई, नो टेंशन। सो एलिमेंट
था, फटाफट के सारा चीजें क्रॉनिकल करके अंदर ले लिया। आई मीन मेरे तो अंदर तो गलती से कुछ भी नहीं लगता, क्योंकि मैं हमेशा ट्रांसफर ऑल मारता हूँ, तो मेरा कितनी बार ब्लू प्रिंट कहाँ कहाँ डाल दिया पता नहीं, मेरा चेक पीस भी कहाँ गायब हो गया मेरे को पता नहीं, पता है। सो फिलहाल सारा चीज़ मैंने अल्फा के पास है, एंड कुछ सारा चीज़ इधर उधर भी है। सो सारा चीज़ मैंने अपने फाइनली यहाँ पर डाल दिया। एंड एनी आइडिया हम लोगों के पास अभी कितने एलिमेंट्स हो सकता है, कितने ब्लैक फॉल हो सकता है वो भी ऑफिशियल सर्वर में, एंड जितने सारे रिपेनिंग फोर्स है सारे चीज़ों में आपने सामान से भर रखा। देखो यहाँ पे और 2 GB भाई साहब। देखो सही बात बोलूँ, मेरे को गीगा एक हैच करने का कोई दिल नहीं करता, क्योंकि वो लोग बहुत भूखा होता है यार ऑफिशियल सर्वर। भाई मैंने एक बार मतलब 1-2 बस जस्ट इसको हैच किया, बस मीट देते 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 भाई 2 आवर तक मीट दिया, फिर इतना बोर हो गया कि भाई मर जा करके मार दिया। सो चलो अभी कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितने सारे गीगा सिक्स है। सो बाद में जब अपने पास बहुत टाइम होगा तब बैठ के लोग हैच करने का सोचेंगे भाई, या तो है ना कुछ इवेंट इवेंट आता ना तभी सोचेंगे, अभी तो फिलहाल नहीं, एकदम नहीं। गीगा ऐसे भी अपने पास 3-4 है, 4 था, एक तो मर गया भाई साहब अंडर वाटर में ले जाके मरवा दिया। तो चलो यार लेट्स गो, एंड अपना जो इरिटोरेट से सारा अपने रिकवर कर लिया, एंड आई होप इतना इरिटोरेट आप एक लैंड में भी एक अल्फा बेस बना सकते हैं, क्या बोलते पब्लिक? जस्ट मेरे को जानना है कि इतने सारे इरिटोरेट से आपकी कोई लैंड में चूज करके एक अल्फा मतलब बड़ा सा बेस बना सकते हैं। गाइस सबसे दिक्कत है PBXE और PBXE इजी रेट कर सकते हैं कोई भी, सो इसलिए लैंड चूज नहीं कर रहे, तो अंडर वाटर चूज किया भाई, अंडर वाटर में तो खतरनाक वाला अपडेट ही मार दिया। सो देखते लेट्स गो अपडेट आने के बाद हम लोग कहाँ बेस बना। एंड फिलहाल यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे बहुत सारा अपना डंजन जाने का तैयारी वाला कैंटीन है, एंड मेन बॉक्स यानी डंजन बॉक्स जहाँ पे अपना चीजें रखते। तो गाइस अपने पास अभी 900 प्लस एलिमेंट है, सारा चीज़ तोड़ने के बाद क्या कर सकते हैं, 985 पहले 600 था, बट अपने बहुत सारा चीज़ जैसे अपना टैग जेनी में नहीं तोड़ा, तो अपने पास एलिमेंट भी ठीक ठाक भाई 2-3 डे और डंजन किया ना भाई 1K भी अपन कर लेंगे। सो क्या बोलते भाई ऑफिशियल सर्वर में इतना खतरनाक लूट्स, अब सोचो अभी यार फिलहाल अपन कुछ ही दिन में मतलब पता नहीं कुछ ही दिन में जब भी अपन बेस बनाए, एंड देखो हो सकता है अपन फिर से अंडर वाटर में की तरफ जाए, नहीं तो एक लैंड में बनाएंगे, बट हाँ ऐसे प्लेस में बनाएंगे जहाँ पे अपन को एक रेड करना पड़ेगा पहले, एक बड़ा सा ट्राइब है उसको हटाएंगे फिर वहाँ पे बेस बनाएंगे, क्योंकि बहुत प्लेस अपन को बहुत प्यार लगता है। सो देखते हैं पहले रेड करते हैं या अंडर वाटर चूज करते हैं, ऊपर करेंगे तो पहले तो रेड होगा। सो मिलते हैं ऐसे और एक खतरनाक सिलसिला, तो मैंने छोटा सा अपडेट के साथ फिर से वापसी किया अपना लाइफ में, बाय।